उसके बाद फिर कुछ लोगों ने बोला किसी को दिखाओ, तांत्रिक वगैरह सबको, तो हम लोग मस्जिद भी जा चुके हैं, मैं जा चुकी हूँ। और पूरा 41 दिन कंटिन्यू उन्होंने बोला कि 41 दिन आप करो, मुझे बुला के तेल वगैरह सब लगाते थे। मैं उनसे आपको, मेरे पापा ने उनको जाके मारा भी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कमरा गेट बंद हो जाता था और उसके कुछ मस्जिद के पोस्टर वगैरह लगे रहते थे, बस मैं वो करता था। और ना हम लोग उस टाइम ना भैया दबे हुए थे, गिरे हुए थे। आज गुरुजी हैं तो हम ये बोल भी पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर नहीं की, बालाजी की। मेरा अभी बहुत तबीयत खराब था, बहुत मतलब प्रेत बाधा थी मेरी, तो मतलब बोल मतलब हमको लोग तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। अभी आज से बस अप्रैल की बात है, मैंने 10th पास, मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम थी, मेरा अच्छा खासा नंबर आया था। फिर ये हुआ कुछ अपने में, घर बात चल रहा होगा, मिठाई वगैरह आया, हम लोग खा रहे थे, एकदम अपने आप में कुछ ऐसा हो गया कि सबको लगा कि क्या हो गया। मम्मी ने डॉक्टरी इलाज भी पूरा करवाया, मतलब उसमें भी बहुत पैसा लगा, बहुत एक्स्ट्रा लग गया, जो मम्मी रखी थी सारा लग गया। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने बोला किसी को दिखाओ, तांत्रिक वगैरह सबको, तो हम लोग मस्जिद भी जा चुके हैं, मैं जा चुकी हूँ। और पूरा 41 दिन कंटिन्यू उन्होंने बोला कि 41 दिन आप करो, मुझे बुला के तेल वगैरह सब लगाते थे। मैं उनसे आपको, मेरे पापा ने उनको जाके मारा भी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उनको मिला दूँगी, मेरे भाई और पापा ने मारा भी, क्योंकि जब हम लोग इनके दरबार बोला ना, वो गए और मतलब डायरेक्ट मेरे मम्मी से बोल रहे कि मतलब बस वो पता नहीं कैसा पानी, तेल और पानी, बोला वो कि 5 3 प्रकार का पानी है। मुझे उस टाइम होश नहीं था, लेकिन जैसे लग रहा था कि कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो पानी ऐसे फेंका। उसके बाद अपने ही घर के 5 6 लोगों को बुला के मेरे हाथ को पकड़ा, मम्मी भी बता सकती है चीज़, 5 6 लोगों को पकड़ा, भैया बोला कि वीडियो बना रहे हैं हम, पर वो भैया को वीडियो बनाने नहीं दिया मेरे, कि नहीं वीडियो बनेगा तो ये भागेगा नहीं, उसी फ़ोन में कैद हो जाएगा। अब उस टाइम तो लड़की की, जिसके घर की लड़की का तबीयत ख़राब रहेगा वही जान सकता है। तो फिर मेरे अपने ही हाथ से मेरे मुंह पे तमाचा 2 3 मारा, भैया एकदम बहुत मानता है मुझे, तो वो गुस्सा हो गया, बोला नहीं ऐसा नहीं, तो उसने पैसा ऐंठना चालू कर दिया। एक फर्स्ट टाइम में उसने 14,000 लिया मम्मी से, फिर करते करते 7, मतलब मिलाते जुलाते उसने मम्मी से 1,00,000 रुपये ऐंठे पूरे। नहीं क्यों नहीं बताया, जब शोषण हुआ तो बताना ज़रूरी है। फिर उसने किया, उसके बाद हम लोगों को मतलब फिर भी मुझे आराम नहीं हो रहा था, मतलब खाते पीते कुछ। मौलाना की बात? हाँ मौलाना की बात है, उसकी नाम क्या था तनु? शाहिद नाम था उसका, उसका पता वता सब कुछ है हम लोगों के पास। और बस हम लोग सही नहीं, बस वह सही नहीं, बस यही था कि ना भैया हम लोग के पास प्रूफ नहीं था, वीडियो वगैरह नहीं था कि हम लोग पुलिस से जाके कंप्लेन कर सके। और ना हम लोग उस टाइम ना भैया दबे हुए थे, गिरे हुए थे। आज गुरुजी हैं तो हम ये बोल भी पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर नहीं की, बालाजी की सौगन। तो मम्मी ने फिर हाँ हल्ला, हमारे बनारस में गुरुजी आए थे, हम बनारस से हैं, अभी हम लोग को गुरुजी को जानते ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा, तो बनारस में बहुत हल्ला हुआ कि कोई बहुत बड़े जागता गुरुदेव आ रहा है। तो मैं भी, हम लोग भी यही बोले कि अरे क्या फिर, मतलब क्या पैसा फूकने, फिर वहाँ जाएंगे फिर पैसा लगेगा। देखिए एक बार जब धोखा हो जाता है तो फिर इंसान को भरोसा नहीं होता है। फिर हम लोगों ने गया वहाँ पे, बहुत होते होते तो भैया ने बोला कि एक बार बागेश्वर धाम आप डालो, तो दीदी वहाँ के लोग बोले, हमने डाला, बहुत देखा और गुरु जी को देखते ही लगा कि ये भगवान है। एक बार तो मम्मी भी बोली, सब बोले कि चलो अच्छा एक बार जाते हैं। जब गए हम लोग वहाँ पे अच्छे से एकदम, मतलब गए बैठे, फिर गुरु जी ने कुछ मंत्र वगैरह बोलते, वो बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इतना बोलते ही जितने प्रेत थे सब में इतना बुरा, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा था, क्या बताऊँ मैं, ये सब चोट वगैरह सब वही का निशान है पूरा फेस पे, नहीं तो एकदम क्लीन फेस था। फिर ऐसा हुआ कि एकदम गिरने पड़ने लगे, फिर हम लोग वहाँ पे गुरुदेव ने सबको आराम दिया, भभूति दिलाया, बोला वो भभूति को बोले पानी वगैरह में जो भी आप मिलाओगे खाओगे बहुत आराम मिलेगा। फिर हम लोगों के गए घर पे, वो खाने लगे, आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोगों ने वहाँ से फ़ोटो लाया, पूजा किया, 8 दिन के अंदर हम लोग बागेश्वर धाम में पहुँच गए। और 8 दिन का आए, हम लोग 2 महीना यहाँ पे थे, और उसके बाद से आप मुझे देख रहे हो, एक बार हमारी पेशी आई, गुरुदेव ने बोला कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पे मतलब अच्छी हो जाओगी। और मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट, मैं बोलने लायक नहीं थी, मैं इतनी गंद, मतलब एकदम बेकार हो गई थी, एकदम सावली, मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊँ, मेरा इतना मन करता था कि मैं मर जाऊँ, कितनी गंदी लाइफ है। मतलब अभी से ही वो डॉक्टर लगाता था, उसको तो पता नहीं था, वो इंजेक्शन लगाता था तो भी हम रोते थे, मम्मी भी आती थी, उन लोगों को पता नहीं था क्या था। बहुत बहुत हो चुका है भैया, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छा, और इतने हो गए कि अभी आप, मैं तो आई ना 2 महीने पूरा कंटिन्यू रही यहाँ पे,
तो उसके बाद आराम भूत प्रेत होता है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर जो जो मौलानाओं के चक्कर में पड़ता है, अरे वो बहुत बेकार है। अगर आपको, अगर किसी को भी, मैं यही बोलूँगी हाथ जोड़ के कि अगर किसी को भी प्रेत बाधा या कोई भी मतलब अगर निगेटिव है उनको एनर्जी, तो एक यहाँ पे ज़रूर है, वो यहाँ पे ज़रूर है, वो किसी मौलाना किसी पादरी के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि यहाँ एक बार आए। वहाँ पे आपको आर्थिक, बिल्कुल भैया बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने, हम लोग यहाँ भी आए बागेश्वर धाम, तो मैंने मम्मी ने कॉल किया कि आप, अरे भैया तुमने कैसा मेरी लड़की को ठीक किया, कि वहाँ पे गई तो वो तो पूरा समाज में ही ऐसे, तो एक कमरे में बंद करके करता था, कमरा गेट बंद हो जाता था और उसके कुछ मस्जिद की पोस्टर वगैरह लगे रहते थे उसमें, वो करता था। और यहाँ पे आई तो मम्मी ने वही फ़ोन किया के बोला, तो कह रहा अरे ऐसी बात नहीं, आप 7,000 रुपया मुझे दो, ऐसे ही आप मुझे 7,000 रुपया दो, और ये बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा बाबा लड़की को ख़राब कर देंगे ले जाके ऐसे। तो और मम्मी को कह, तब मम्मी बोली अच्छा तुम लड़की का पैसा, तो मम्मी को कह रहा है लड़की को मतलब मारना हो तो ले जाओ वहाँ पे। तो फिर मम्मी तो एकदम रोने वोने लगी, फिर भी हम पापा हमारे बोले, हम लोग सब लोग नानी वगैरह सब बोली कि चलो बैट टच भी कर, हाँ थप्पड़ वगैरह मारना सब कुछ हो। उनके घर के ही 4 लोग आते थे और ऐसे लड़के आते थे, हाथ वगैरह पकड़ते थे, उनकी लेडी आती थी ये फिंगर दबाती थी ये वाला, वो लोग कुछ। और फिर उसने दबा भी दिया था मेरा, तो उसने दबा दिया था गुरुदेव ने, मतलब उसको खुलासा मतलब मेरे किया या गुरुदेव किया या जो भी मतलब, कि उसने आपके ऊपर 2 और लगा दिया, मेरे एक ही था, मैंने कहीं जाते हुए जल को पी लिया था उसके पानी को, वो पकड़ा था, फिर 2 उस जो हम लोग कॉल करके गाली वगैरह मार पीट हो गया था उसके साथ, तो उसने हम लोगों को ऊपर मेरे ऊपर 2 और कर दिए थे। इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं रह पाती थी, न खाना पीना कुछ भी नहीं। बागेश्वर धाम आते बहुत, बागेश्वर धाम की जय।